तो मैं एक जादू आपको सिखाएंगे, आप सीख लीजिए। आपके घर में सोने के लिए भी पलंग होगा, कोई चीज भी होगा सोने के लिए, उस पर चढ़ जाइएगा, बिस्तर पहले लगा लीजिएगा, अपना मम्मी डैडी को घर के अंदर बुला लीजिएगा और आप जिस तरह बैठे हैं उस तरह बैठा दीजिएगा, और आप पलंग पर चढ़ने से पहले एक बोतल में पानी लीजिएगा, एक कांच का गिलास दीजिएगा और एक कागज का टुकड़ा इतना बड़ा तीन हिस्सा होना चाहिए उसको आपस में चौकूट करके चिपका दीजिएगा। आपको करना क्या है, पलंग पर चढ़ने के बाद इस गिलास को बायां हाथ में रखना, कहाँ रखना है, बायां हाथ में रखने के बाद इसमें पानी भरना है, क्या करना है, पानी भरने के बाद आपका मम्मी डैडी देखेगा बोलेगा जल्दी उतरो नीचे, लेकिन आपको उतरना नहीं है, आपको बोलना है कि मैं जादू सीख के आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए मैं कैसे दिखाऊंगा, जादूगर अंकल हमको सिखा दिए हैं, मंत्र भी याद कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर यह कागज का टुकड़ा लगा दीजिएगा, क्या करिएगा, कागज का टुकड़ा लगा दीजिएगा और मन मन में बोलिएगा आकाश बकाश बिजली बिजली गो, क्या बोलिएगा, आकाश बकाश बिजली बिजली गो, तो मेरा साथ साथ एक बार बोलिएगा जोर से आकाश बकाश बिजली बिजली गो। लगता है सुबह सुबह आप लोग नाश्ता नहीं किए तो पूरा भूख लग गया ना, आप लोग जोर से बोलो आकाश आकाश गेले गेले गो। वो लड़की लोग बोल रहा हजारों बजार, जोर से बोलो आकाश आकाश गेले गेले गो। लड़का लोग बोलता हजार बदल, एक बार फिर से बोलो आकाश आकाश गेले गेले गो। तीन बार मंत्र बोलिएगा मन मन में, उसका बाद लास्ट में बोलना है गिली गिली तू मंत्र, कैसे बोलना है, हाँ लास्ट में बोलिएगा गिली गिली तू मंत्र, उसका बाद क्या करना है, इसको बायां हाथ से दायां हाथ में उल्टा दीजिएगा, या हाथ को हटा देंगे, ये कागज को हटा देंगे, आप बोलिएगा अंकल ये कौन सा जादू सिखा रहे हैं, ये तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिरेगा, आप देखिए ठीक से दिखाइएगा और मंत्र सही सही बोलिएगा तब हो पाएगा, और धीरे धीरे हटाना है अग बकाना नहीं है, देखिए कैसे हटाना है, धीरे धीरे अग बकाना नहीं है, धीरे धीरे हटाना है, पानी गिरा तो आप लोग जादू सीखे, बोलो मंत्र एक बार बोला गया जोर से बोलो आकाश आकाश गिले गिले गो। और बाद में बोलिएगा गिली गिली छो मंत्र, क्या बोलिए, तीन बार बोलने के बाद गिली गिली, बाद में पानी को फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों एक जादू में आपको और दिखाएंगे, एक लड़की हमारा सहयोग करने के लिए, बड़ी लड़की हमारा पास है, जो आपका स्कूल का बहादुर लड़की होगा वही लड़की हमारा पास आई है, ठीक है, आइए बहादुर लड़कियाँ जिसके पास ढेर सारा हिम्मत है वही लड़की हमारा पास आई, आइए सोचा विचारी मत कीजिए, बहुत बड़ी लड़की है और दो लड़की अपना सहेली के साथ हमारा पास आई हमारा मदद करने के लिए, अभी लड़का लोग आया है, लड़की लोग देखिए पीछे है, हमारा देश का लड़की लोग सबसे आगे चल रहा है लड़कों में और आप लोग पीछे हट रहे हैं, आइए जल्दी आइए, सोचा विचारी मत, नाम बता दीजिए, जिसके पास हिम्मत होगा वही लड़की हमारा पास आएगा, हमारा लेट हो रहा है, आप जल्दी आइए, हम फिर दिखाएंगे, जल्दी आइए, सोचा विचारी मत करो, जिसका पास हिम्मत बनाने स्कूल में अपना पहचान बनाने के लिए वो हमारे पास आ रही है और साथ में अपना सहेली को साथ हमारा सहयोग करने के लिए जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आओ, सोचा विचारी मत करो, हाँ लड़की लोग का हिम्मत कैसे नहीं, अभी लड़का लोग से आगे चल रहा है लड़की लोग, आप बोलते हिम्मत नहीं है, आएगी जल्दी आएगी, वो सोच रही है ये जाएगी कि वो जाएगी, ये सोच रहा है, हम जानते हैं कौन आने वाला तैयार,
देखो जल्दी आओ उधर से, छुप के बैठी है सो नहीं आएगी, घर आएगी खड़ा है सो, इधर आ जाएगी, आ जाइए आप लोग दोनों उधर से पीछे से खेल आज, आइए बैठिए मत छुपिए मत, हम इस खेल को बंद कर देते हैं यहीं पर, नहीं आइए आप, सर बताएंगे कौन लड़की आएगी, नाम बताइए सर। एक जादूगर ने एक लड़की के हाथ पर आरी चला के हार पार करके दिखाया है, उस खेल को मैं दिखाने के लिए एक लड़की का सहयोग मांगा है, वो आ गया है, इसके लिए जोरदार तालियों में लड़की। अब देखिए हमारा पास एक आलू का टुकड़ा है, क्या है और मैं इस आलू का टुकड़ा यहाँ रखता हूँ और दूसरा आलू का टुकड़ा मैं यहाँ रखता हूँ, मैं इसलिए रखा हूँ कि इसमें एक तेज धार चाकू लगा हुआ है, यह सही जगह गिर जाता है कि नहीं, ये आलू कटता है कि नहीं, इसको मैं ट्राई करने के लिए, क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो देखिए ये आलू कटता है, ये आलू क्या हुआ कट गया है और ये लड़की आई है अपना हाथ कटाने के लिए, और इसका सहेली कौन है, आपका सहेली कौन है जल्दी बोलिए, कल्पना जी इसका कौन सहेली सच्चे सहेली का नाम बोलिए, वो आपका सहेली हाँ इसका सच्ची सहेली जो है कल्पना जी आ गए हैं इधर, आगे आप उधर खड़ा रहिए, सबसे अच्छा होगा, हाँ ऐसा साइड देखेगा बच्चा, हाँ तो देखिए बच्चों मैंने एक जगह आलू का टुकड़ा रखा है, दूसरा जगह आलू के बदले लड़की का हाथ रखा है कि नहीं है, और मैं इसके हाथ पर आरी चलाऊंगा और इसका पंजा करके जमीन में गिर जाएगी और इसका जहरी तोड़ के उठा लेगी, क्या करेगी उठा लेगी और देख में तुरंत भर लेगी, जब हेड सर ने स्कूल में छुट्टी देगा दोपहर का 12 बजे का तो ये पंजा को सताइएगा, बोलिएगा गिली गिली छू मंदिर, क्या बोलिएगा, लेकिन इसका मम्मी पापा को दिखा के सताइएगा, ठीक है तो आप तैयार हैं, हाँ तो अभी आप लोग जब हम फ्री बोलेंगे तो आप लोग मेरे लिए ताली नहीं मारिएगा, इस लड़की के लिए ताली मारिएगा, ठीक है जब हम तेरी बोलेंगे तब, तो आप लोग देखिएगा इसका हाथ और आलू देखिएगा, ठीक है तो मैं अभी इसके हाथ पर आलू चला रहा हूँ, 1 2 और थैंक यू धन्यवाद, यह लड़की इतना भाग्यशाली था कि आलू हमारा कट गया लेकिन इसका हाथ, तो बच्चों हमारा जादू देखने में आपको